एक बार इस वीडियो को लास्ट तक देख लो, फिर आप भी कहोगे भाई क्या वीडियो बनाई है, मजा आ गया। कभी एक लड़की के तीन पैर दिखते हैं तो कभी एक पूरी की पूरी तस्वीर आंखों के सामने से गायब हो जाती है। झकास फन टू क्लास। वैसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस लाल बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ बेल आइकन को दबाना मत भूल। ग्रिड इल्यूजन। इस ग्रिड को ध्यान से देखो, आपको बीच बीच में जहाँ पर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर ब्लैक डॉट दिख रहे होंगे, पर जैसे ही आप उस ब्लैक डॉट को देखते हो तो वह ब्लैक डॉट वहां से फुर गायब हो जाता है। पर हकीकत यह है कि वहां कोई डॉट है ही नहीं, ये सिर्फ इस ब्लैक बैकग्राउंड होने की वजह से आपके दिमाग को उल्लू बना रहा है, असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। रोटेटिंग रिंग्स। आपको ये ब्लैक डॉट दिख रहा है ना, इस ब्लैक डॉट को ध्यान से देखते रहो और बिना अपनी पलक झपकाए अपनी नजर हटाए अपने सिर को स्क्रीन से आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे बार बार करो, और फिर देखो आपको ये रिंग घूमती हुई नजर आएगी। देखो जरा घूम रही है ना, किसी मशीन के अंदर के नट बोल्ट्स की तरह घूम रही है, क्या लग रहा है यार, गजब। हेरिंग इल्यूजन। इन लाइन को देखकर बताओ कि कैसी दिख रही है, कॉन्वेक्स यानी कि कुछ ऐसी, या फिर कॉनकेव यानी कि कुछ ऐसी। आपका टाइम शुरू होता है अब, एक दो तीन चार पांच। आप कहोगे ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों है, पर नहीं, ये दोनों की दोनों लाइन एक दूसरों के समानांतर है यानी कि पैरेलल है। ओ माय गॉश, कौन सा सर्कल बड़ा है? इस इमेज में ध्यान से देख कर बताओ कौन सा सर्कल बड़ा लग रहा है, ये वाला या फिर ये वाला। आप कहोगे ये राइट वाला, हाँ ये राइट है। रॉन्ग, क्योंकि ये दोनों सर्कल एक ही साइज के हैं, सेम है सेम। आपका दिमाग ये बड़े बड़े सर्कल्स को देखकर इस सर्कल को छोटा समझता है, जो कि ये बीच में ऑरेंज छोटा सा दिख रहा है, और ये दूसरे वाले ऑरेंज सर्कल को जो छोटे छोटे चारों तरफ से सर्कल्स से घिरा हुआ है उसे आपका दिमाग बड़ा समझता है। क्यों? क्योंकि ये रिलेटिवली बड़ा है और ये आपके बैकग्राउंड को देखता है। अभी मैंने 2 मिनट पहले ही आपको बताया था कि आपका दिमाग बैकग्राउंड की सिचुएशन को देखकर डिसीजन लेता है। खा गए ना धोखा, असल में ये दोनों सर्कल एक जैसे हैं। शॉकिंग इल्यूजन। इस तस्वीर को ध्यान से देखो और बताओ आपको क्या दिख रहा है। आपके लिए मिलेंगे 5 सेकंड, अपना आंसर कमेंट करो और फिर बताओ आपको क्या दिख रहा है। तो आपका टाइम शुरू होता है अब, एक दो तीन चार पांच। आप में से ज्यादातर लोगों को इसमें किसी लड़की के ब्रेस्ट दिख रहे होंगे, सही का? बट रियलिटी ये है कि ये कोई लड़की के ब्रेस्ट नहीं है, ये एक कागज का टुकड़ा है जो कि एक पिन पे दीवार पर टंगा हुआ है और थोड़ा सा नीचे से फटा हुआ है। सच बताना आपको क्या दिखा? वैसे एक स्टडी में पता चला है कि लड़के और लड़कियों को 90% टाइम वही दिखता है। असल में हमारा दिमाग गलतियां और गंदी चीजें जल्दी पकड़ता है। पेरिस ट्रिक्स। इस पिक में ध्यान से देखो, इसमें एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के अंदर कुछ लिखा हुआ है। सिंपली सा कुछ लिखा हुआ है, पढ़कर बताओ क्या लिखा हुआ, और बताओ कि इस सेंटेंस में क्या लफड़ा है। आपको मिलेंगे 5 सेकंड, एक दो तीन चार पांच। तो क्या लिखा हुआ है? पेरिस इन द स्प्रिंग। पेरिस इन द स्प्रिंग, इसमें क्या अजीब बात है प्रिंस भाई, पेरिस इन द स्प्रिंग ही तो लिखा हुआ है। क्या हो, अगर मैं आपको बोलूं कि आप गलत पढ़ रहे हो, इसमें लिखा हुआ है पेरिस इन द स्प्रिंग। ओ माय गॉड, 2 बार दा था, क्या आपने नोटिस किया? नहीं किया होगा, पर किया भी होगा तो वो आप में से 2 या 3% लोग होंगे। असल में दिमाग कई इन्फॉर्मेशन को नेग्लेक्ट कर देता है।
अपना आंसर कमेंट में लिखो। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही जवाब है दो। इस लड़की के भी आपके और मेरी तरह दो पैर हैं। तो इस पिक में तीन कैसे दिख रहे हैं? तो इस पिक को ध्यान से देखो। ये देखो, ये है एक पैर, ये है दूसरा पैर, और ये जो तीसरा आपको दिख रहा है ना, ये पैर नहीं, ये एक बांस है, जिसे आपका दिमाग सेपरेटली इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा था। वैसे कमेंट करके बताना मत भूलना कि आप इन इल्यूजन से कितनी बार धोखा खाए और आपको कौन सा इल्यूजन सबसे ज्यादा पसंद आया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, लाइक और शेयर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं इस चैनल पर लाता रहूंगा। एंड एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय।